फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? यस फ्रेंड, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? नहीं ना। और फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? यस फ्रेंड, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? या फिर फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि गूगल सर्च इंजन में हम एक ऐसा सेंटेंस है जिसे सर्च करते हैं तो उसकी स्क्रीन 360 डिग्री तक रोटेट हो जाती है? अगर नहीं पता है आपको ये फैक्ट्स, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फैक्ट नंबर वन, फ्रेंड्स, अगर हम स्टार हैज 07, यस फ्रेंड्स, स्टार हैज 07 को अपने कॉल में लगाते हैं, यस फ्रेंड्स, अगर हम इस नंबर को डायल करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्टार हैज 07, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे फोन से कितना रेडिएशन रिलीज हो रहा है। और अगर ये रेडिएशन 1.6 से ज्यादा होता है तो आपको तुरंत ही अपना फोन चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होता है। यस फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपके फोन में इससे ज्यादा रेडिएशन रिलीज हो रहा है तो आप लोग फटाक से चेक करिए और अपने फोन चेंज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर टू, फ्रेंड्स, कैंसर के मरीज के बाल इसलिए झड़ जाते हैं क्योंकि उसके इलाज के लिए एक थेरेपी यूज करी जाती है जिसे कहते हैं कीमोथेरेपी। फ्रेंड्स, इस थेरेपी में होता ये है कि मरीज को ऐसी दवाएं दी जाती हैं और ऐसी थेरेपी करी जाती है जिससे कि उसके कैंसर सेल्स मर जाते हैं। यस सर फ्रेंड्स, जिससे कि उसके कैंसर सेल्स मर जाते हैं। इससे होता ये है कि जो कैंसर सेल होते हैं वो मरते हैं और वो हेल्दी हो जाता है, और जो कैंसर होता है ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है। यस फ्रेंड्स, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसमें होता ये है कि एक इन्फेक्शियस जो सेल होता है वो कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल्डली डिवाइड होते जाता है और ये बड़ा रूप ले लेता है। यस फ्रेंड्स, और इसी कारण से जब ये थेरेपी होती है तो इसी के रिजल्ट्स में इंसान के बाल झड़ जाते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर किसी को देखिए कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके बाल नहीं होंगे, आप ये नोटिस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब हम लोग किसी टावर के पास होते हैं तो हमारा फोन कम रेडिएशन जो है रिलीज करता है, और जैसे ही जैसे हम टावर से दूर होते जाते हैं तो फोन की रेडिएशन बढ़ता जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा फोन सिग्नल को कैच करता है तो वो रेडिएशन को रिलीज करता है, और जब वो टावर के पास ही होगा तो उसे सिग्नल कैच करने के लिए काफी कम रेडिएशन को रिलीज करना होगा। यस फ्रेंड्स, क्या आपको अभी तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर फोर, फ्रेंड्स, अगर हम अपने सर्च इंजन में डू अ बैरल रोल, यस फ्रेंड्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डू अ बैरल रोल लिखते हैं, यस फ्रेंड, डू अ बैरल रोल लिखते हैं तो हमारी गूगल की स्क्रीन पूरी रोटेट हो जाती है 360 डिग्री से। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग फटाक से अपने गूगल के सर्च इंजन में इसे सर्च करिए, अगर होता है तो फटाक से वापस आके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर फाइव, फ्रेंड्स, प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव जो पर्सन था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसका प्लाज्मा ले लिया जाता है और एक ऐसे पर्सन को इंजेक्ट करा जाता है, एक ऐसे पर्सन को लगाया जाता है जो कि कोरोना पॉजिटिव होता है। और फ्रेंड्स, हमारे खून में चार चीजें होती हैं मेनली, एक RBC, दूसरा WBC, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा को जो पर्सन इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुका है उससे लिया जाता है और सही वाले के लगाया जाता है। और ये फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा होता है ये एक इंसान से 400 ml लिया जाता है। यस फ्रेंड्स, एक इंसान 400 ml तक प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और एक इंसान को ठीक करने के लिए मात्र 200 ml प्लाज्मा की जरूरत होती है, यानी कि एक इंसान के डोनेशन से दो इंसान ठीक किए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोरोना पॉजिटिव अगर कोई इंसान है और वो उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद, यस फ्रेंड्स, 2 हफ्ते बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। यस फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर सिक्स, फ्रेंड्स, आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा, कि अगर किया नहीं होगा तो कम से कम ट्रेन की पटरी को तो जरूर ही देखा होगा। फ्रेंड्स, तो आपके भी मन में कभी ना कभी ये ख्याल आता होगा कि ट्रेन की पटरी में कभी जंग क्यों नहीं लगती? यस फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो भी नॉर्मली लोहे देखते हैं, चाहे वो हमारे घर का जो हैंडपंप हो या फिर
कोई भी लोहे की चीज हो, अगर उसे हम कुछ समय तक के खुले एयर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरस, फेरस यानी कि आयरन। ऑक्सीडाइज होने के बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है जिसी को हम लोग जंग कहते हैं यानी कि रस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेन की पटरियों में क्यों नहीं होता है? अब आप लोग मुंह में से काफी लोग कह रहे होंगे कि उस पर ट्रेन लगातार चलती रहती है इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो ट्रेन जिस पटरी पे नहीं चल रही है, अगर आप उस पटरी को भी देखेंगे तो उस पे भी इतनी जल्दी जंग नहीं लगता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारे घर में जो लोहा यूज किया जाता है उसमें केवल आयरन होता है, यस फ्रेंड्स, और जो कि ट्रेन की पटरी को बनाने में लोहा यूज करा जाता है उसमें फ्रेंड्स 87% आयरन यानी कि फेरस यानी कि लोहा यूज करा जाता है, 12% मैग्नीज और 1% कार्बन यूज करा जाता है। इसी वजह से ये इतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और उनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। और फ्रेंड्स, अगर ट्रेन की पटरी पे रस्टिंग हो जाएगी तो ये ट्रेन के लिए काफी घातक हो सकता है, इसीलिए इसे एक मिक्सचर बना के ट्रेन की पटरी को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको ये फैक्ट पता था? नहीं तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, ओके, यस फ्रेंड्स, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ओके, लाइक कर दिया है तो ओके। फ्रेंड्स, मैं उतनी देर से ये ओके बोल रहा हूं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? यस फ्रेंड्स, ओके का फुल फॉर्म क्या होता है और इस ओके शब्द की शुरुआत हुई कब से? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, ओके शब्द का फुल फॉर्म होता है ओला काला, ओला काला। यस फ्रेंड्स, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑल करेक्ट। यस फ्रेंड्स, ओला काला ग्रीक वर्ड है, इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ऑल करेक्ट। यस फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप ये वर्ड देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत सन 1939 में हुई थी। यस फ्रेंड्स, यानी कि आज से 182 साल पहले, 182 ईयर्स पहले, और आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं। असल में इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक न्यूज़पेपर में इसका यूज करा गया था, वो भी एक एट्रीब्यूशन के तरीके से यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, और तभी से ये इतना प्रचलन में आ गया। फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? अगर आपको इन फैक्ट्स से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिसमें वो हमें सपोर्ट कर सके और जल्दी से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करा सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।